हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। दुआ करें आज IMF प्रोग्राम मंजूर हो जाए। ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। UAE से भी जल्द 1 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है। हम जगह जगह पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए उधार मांग रहे हैं। IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद ने पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड और कौमी निसाब से मुतालिक तकरीब से खिताब। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। कुरान पाक की बेहुर्मती के खिलाफ सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाने पर जोर। रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर। करारदाद के हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया, 12 अरकान की मुखालफत। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लेटर ऑफ इंटेंट पर गौर किया जाएगा। मंजूरी के 3-4 दिन बाद पाकिस्तान को रकम मिल जाएगी। पहले किस का हजम 1.1 अरब डॉलर होगा। पाकिस्तान ने लेटर ऑफ इंटेंट में 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम ना देने समेत मुतअद्दिद यकीन दहानियाँ करा दी। वज़ारत खजाना और IMF में गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की मंजूरी। रकम एक साथ में जारी की जाएगी। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपये पर रोका जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF का 3 अरब डॉलर बेल आउट पैकेज मंजूरी का पहला मरहला उबूर कर चुका। पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब, डिफॉल्ट का खतरा टल सकेगा। अक्टूबर में इलेक्शन के पेश नज़र बहरान मजीद बढ़ने का खदशा था। पैकेज से पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड को मजीद तकवीत मिलेगी। बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना बढ़ चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहदा खुश आइंद। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ तजारत और सरमायाकारी को मजीद मजबूत करेंगे। किसी मुल्क पर अमरीका या चीन से ताल्लुकात के लिए दबाव नहीं डालते। अवामी रबते ही पाक अमरीका ताल्लुकात की असल बुनियाद हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की वॉशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। भारत की तरफ से दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी कसूर पहुंच गया। गंडा सिंहवाला के मकाम पर सतह 22 फिट हो गई। मुतअद्दिद दहाड़ डूब गए, कई का जमीनी राबता मुनकता। पतन के मकाम पर मरकजी शहरा का बंद टूट गया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कसूर आमद। फ्लड रिलीफ कैंप और गंडा सिंहवाला बॉर्डर का दौरा। दरिया सतलुज के बेड में मौजूद आबादियों के फौरी इंखला की हिदायत। पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस। परवेज इलाही को जमानत के बावजूद रिहाई ना मिल सकी। जेल हुकाम का रोबकार पर एतराज, मशरूत हुक्म समझ नहीं आ रहा। एंटी करप्शन कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत का जेल हुकाम के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार। कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को शोकॉज जारी। फॉरन फंडिंग के जरिए 9 और 10 मई के मकासद हासिल किए गए। केस 11 साल से बेनतीजा है। रियासत भी दुहाई दे रही है, किसी ने नहीं सुनी। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। 9 मई जैसा वाकया दोबारा नहीं होने देंगे। आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तहरीक इंसाफ को इसराइल और भारत से पैसे मिले। अक्वामे मुत्तहिदा में करारदाद के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। फ्रेमन PTI या फंसने जा रहे हैं। शर्जीलिना मेमन की मीडिया से गुफ्तगू।